गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। स्वामी रामतीर्थ ने अमेरिका में एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने सफलता के 7 सिद्धांत बताए थे। स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि अगर कोई एंटरप्रेनर बनता है तो 2,00,000 कंपनियों में से सिर्फ 2% कंपनियाँ, यानी 200 कंपनियाँ सक्सेसफुल होती। बहुत कम कंपनियाँ सक्सेसफुल होती हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। ऐसा क्यों? तो हम लोग सफलता के सिद्धांतों को समझते हैं। अब स्वामी रामतीर्थ की दृष्टि से कर्म क्या है? कर्म जो है असल में एक विश्राम की स्थिति है। जैसे सचिन तेंदुलकर से लोगों ने पूछा, जब आप फील्ड पे छक्के लगाते हैं तो उस समय तो आप बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा उस समय मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा होता, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उस समय मैं विश्राम की स्थिति में होता हूँ और भगवान से कनेक्टेड होता हूँ और वो मुझसे काम कराते हैं। भगवान ने गीता में कहा योग ही कर्मों में कुशलता है। आप भगवान से कनेक्टेड रहें, भगवान से आपका कनेक्शन बना रहे और शरीर से कर्म होता रहे, आपकी मैं भूली रहे, यही कर्म है। तो जब भी हम कहते हैं मैंने किया, मैं तो मेहनत कर करके मर गया, मुझे क्या मिला, हम लोग यही कहते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कर्म मैं कराता हूँ, सब कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, तुम कुछ नहीं करते हो। आपका ये अहंकार मैं करने वाला हूँ ईश्वर के कार्य में बाधा पहुँचाता है। कर्म तो हम सब बढ़िया करते हैं पर उसमें क्या करते हैं, फल में आसक्ति कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, कर्तापना कर लेते हैं, मैं करने वाला हूँ, मैं इस काम से प्रेम करता हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं हमारी स्वार्थ में बेचैनी कार्य को बिगाड़ देती है, इसलिए शांति और निर्वाण के लिए कर्म करो। जब भी हमें बेचैनी होती है कर्म करने में, परेशानी होती है, जैसे बहुत सी लेडीज़ रो रो के खाना बनाती हैं, तो बताया उनके बच्चों को और घर वालों को भी रो के खाना पड़ता है, क्योंकि जिस भाव से आप कर्म करेंगे, जिस भाव से आप खाना बनाएंगे, वो भाव हमारे खाने वालों तक भी पहुँचेगा। तो लेट द बॉडी वर्क एंड द माइंड बी स्टिल, कर्म किए जा और प्रभु का नाम लिए जा। हम लोग आजकल यही कह रहे हैं, हाथ रहे काम में और मन रहे राम में। तो ये तो हुआ पहला सिद्धांत वर्क। दूसरा सिद्धांत है स्वार्थ रहित बलिदान, अनसेल्फिश सैक्रिफाइस। कोई भी काम अगर हम स्वार्थ से करेंगे, इच्छा और आसक्ति से करेंगे, तो कभी सफल नहीं होगा। एक बार एक तालाब और नदी में झगड़ा हो गया। तालाब ने कहा कि नदी तो बड़ी मूर्ख है, अपना सारा जल और अपना सारा ऐश्वर्य समुद्र को लुटा देती है और समुद्र तेरे मीठे पानी को खारा बना देता है। डू नॉट थ्रो योर पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। तालाब ने नदी से कहा कि अपने मोतियों को सुअरों के सामने मत फेंको, अपना मीठा पानी क्यों देती है तू उसे। नदी ने जवाब दिया, परिणाम और फल मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचती हूँ, हम सबसे पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हर एक कोई आजकल क्या कहता है, बी रिजल्ट ओरिएंटेड, नोबडी सेज बी वर्क ओरिएंटेड। ठीक है, आप वर्क करेंगे, अच्छे से करेंगे, भगवान से कनेक्ट होके करेंगे, आपको टारगेट्स मीट करने हैं तो रिजल्ट तो आएगा ही ना। नदी अपने टन पानी को समुद्र में डालती रही और कंजूस तालाब कुछ महीनों में सूख गया, उसमें बदबू आने लगी। जो ये सोचता ना मैं अपना कुछ नहीं दूंगा, वो खत्म हो जाता है। और गुरु कहते हैं जो तुम्हारे पास है वो सब दे दो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि डिजर्व बट डू नॉट डिजायर, लायक बनो, लायकियत की इच्छा मत करो। एक बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन, आपने सबने नाम सुना होगा न्यूटन का। जब उनका शरीर शांत होने वाला था तो उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी घोषित किया गया। तब उन्होंने क्या कहा, मैं जो हूँ एक छोटे बच्चे की तरह हूँ,
जो समुद्र के किनारे छोटे पत्थर भी हिला है, न्यूटन ने कहा। और हम लोग अपने को क्या समझते हैं, मैं कितना होशियार हूँ। तो गुरु कहते हैं कि हम तो जीरो हैं, जो कुछ समझ है, जो कुछ अकल है, वो सब गुरु की दी हुई है, सब भगवान की। अनसेल्फिश सेक्रीफाइस में आता है हमेशा अपने को नीवा होके रखें। अनसेल्फिश सेक्रीफाइस में आता है अपनी कामनाओं का भी त्याग करें। स्वामी राम सुखदास जी से डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, आपको प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बहुत सोचा मुझे प्रोटीन मिले, अब लोग भिक्षा में लाते हैं उन लोगों के लिए तो खाना, संतों के लिए तो उनको प्रोटीन मिलता ही नहीं था। एक दिन उन्होंने कहा भगवान आपको खिलाना तो आप खिलाइए, मैं तो नहीं सोचा। उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। दूसरे दिन उन्होंने देखा भिक्षा में 10 लोग सोयाबीन बना के ले आए। तो जब हम अपनी इच्छा का त्याग कर देते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं और हम उस इच्छा को पकड़े रहते हैं। फिर तीसरा सिद्धांत है प्रेम, लव। कौन आदमी सक्सेसफुल होता है दुनिया में, जिसके अंदर प्रेम होता है। जैसे स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए, जब वो शिप पे थे तो उनको एक मिस्टर वाइट मिले। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई सामान तो है नहीं, आप अमेरिका जा रहे हैं, कहा आप कहाँ रहेंगे। तो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं आपके यहाँ। तो उन्होंने उनको 2.5 महीने अपने घर रखा। तो उनके अंदर इतना प्रेम था। तो हमारे गुरु ने कहा दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज अ लविंग हार्ट। जो चाहिए वो एक प्रेम भरा दिल चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम हर जगह सक्सेसफुल होंगे, हर जगह हम लोग हमको वेलकम करेंगे। एक बार एक राजा जो है जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, तो शिकार खेलते खेलते वो भटक जाता है। तो जब भटक जाता है तो उसे बड़ी जोर से प्यास लगती है, उसके साथी भी कोई नहीं थे। तो एक बगीचे में घुस जाता है और माली से कहता है कि मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से कुछ पीने को दो। सोचने लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों में दरिद्रता लगती है। तो माली आता है 5 मिनट में और एक कटोरा भर के अनार का रस ले आता है और वो राजा साहब जल्दी से गटक गटक के पी जाते हैं। उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है रस। फिर माली से कहते हैं कि भैया थोड़ा और ले आओ। तो माली लेने जाता है, आधा घंटा हो जाता है और माली के रस ही नहीं निकलता अनारों। फिर कहते हैं इतनी देर हो गई, तुम आधे घंटे में आधा कटोरा रस लाए हो, क्या हो गया। तो माली जो था वो ज्ञानी था, तो कहता है राजा साहब जब आप आए थे तब आप क्या सोच रहे थे। तो बोले जब मैं आया था तब मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ के लोगों की कुछ हेल्प करूँ, यहाँ के लोगों की मैं कुछ सेवा करूँ, पर जब तुम एक कटोरा अनार भर के ले आए तो मैंने कहा यहाँ तो बहुत सुख समृद्धि है, तो मैंने सोचा यहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए। बोले इसीलिए अनारों का रस सूख गया। तो ये सब प्रकृति को रन करने वाला कौन है, हमारे अपने भाव। तो जो भी काम करें बड़े प्रेम से करें। फोर्थ प्रिंसिपल है चीयरफुलनेस। हम सबको मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है, एवरीबडी लाइक्स अ स्माइल। आप सब लोग जरा मुस्कुरा दीजिए। तो मुस्कुराहट में तो सिर्फ 16 मसल्स लगते हैं और फ्राउन करने में 64। तो भगवान ने भी गीता में कहा है कि प्रसन्नचित योगी को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूँ। अब प्रसन्नता हमारे जीवन में कब आती है, जो हमारे मन की हो रही होती है, सिंपल, ठीक है ना। और हमारे मन की नहीं हो रही तो हम खुश नहीं होते। खुशी हमारे जीवन में कब नहीं रहती, जब हमारे अंदर स्वार्थ और कामनाएं आ जाती। जैसे ही आपको लगेगा मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बुलाया, कोई कामना आ जाएगी तो आप दुखी हो जाएंगे। और आपके अंदर प्रेम है, आपके मन में कोई कामना नहीं है, तो आप खुश रहेंगे। तो जैसे ही हमारे मन में राग और द्वेष आता है वैसे ही हम दुखी हो जाते हैं। गुरु जी ने बताया था ना कि काम तो करो पर आसक्ति मत करो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, अपना मत मानो।
भगवान का मान। कह रहे हैं मजदूर की तरह काम मत करो, एक राजकुमार की तरह काम करो, मनोरंजन के लिए काम करो, इंजॉय योर वर्क। जैसे एक बच्चा जब खेल कर आता है क्रिकेट 8 घंटे या 10 घंटे तो कितना खुश होता है, और एक मजदूर काम करके आता है वो कितना थक जाता है। आप खुश होके काम करें। फिफ्थ प्रिंसिपल है फियरलेसनेस, निर्भीकता। अगर आप फियरलेस हैं, आजकल हर एक कोई रिस्क लेने से डरता है, कोई भी नया काम करने से डरता है, रिस्क से डरो मत। बच्चे होते हैं उन्हें अंधेरे से डर लगता है, हमें डर क्यों लगता है? हम भगवान नहीं देखते। जैसे स्वामी रामतीर्थ जो थे, उन्होंने कहा एक बार मुझे 4 रीछ मिले जंगल में, मैं जा रहा था तो मैंने उनकी तरफ प्रेम से देखा कि है ही भगवान, वो सब चले गए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में इतने सारे उनको जानवर मिले, वो कीर्तन करते हुए भगवत भाव में अपने जा रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे जानवर नाचने लगे। तो उनके मन में फियर नहीं था, उनके मन में प्रेम था। हमें मृत्यु से डर लगता है, मेरा कोई अपमान ना कर दे इससे डर लगता है, मेरे वाले को कुछ ना हो जाए इससे डर लगता है, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ मुझे इससे डर लगता है, कितनी चीज़ों से डर लगता है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? जब भगवान हमारे साथ हैं तो क्यों डरें? नहीं डरना चाहिए। भक्त प्रहलाद अपने पिता से डरे, उन्होंने पहाड़ से फिकवा दिया, उन्हें आग में जलवा दिया, उन्हें जहर पिलवा दिया, उन्हें हाथी से कुचलवा दिया, वो डरे? उसको तो तीनों लोकों का स्वामी था वो, तो उस समय हिरण्यकश्यप, उससे नहीं डरे वो। जब उसने तलवार से उसके खंभे को तोड़ा तो उसने कहा बता इसमें तेरा भगवान है, उसने कहा इसमें भी है मेरे भगवान। तो फिर जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए तो उसने कहा भगवान ऐसे होते हैं? उसने कहा हाँ पिताजी, भगवान ऐसे भी होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान जिसके साथ हैं वो किसी बात से डरता नहीं। गुरु कहते हैं जो डर गया वो मर गया। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड फियर इज डेथ। मीरा 2 राज्यों से लड़ गई, मेवाड़ उसका मैका था और चित्तौड़ उसका ससुराल थी, दोनों से लड़ गई। किसके बल पर? भगवान के बल पर। फिर हमारा 6th प्रिंसिपल है सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन, मतलब अपने ऊपर विश्वास करिए, भगवान पर विश्वास करिए। एक बार जज के सामने 2 भाई आते हैं और एक तो उसने बिल्कुल गरीब हो गया था और एक के पास बहुत पैसा था। तो जज ने पूछा तुम दोनों सगे भाई हो और एक इतना गरीब हो गया और एक के पास इतने पैसे हैं, इसका क्या कारण है? तो जिसके पास पैसे थे उसने कहा जज साहब, जब हमारे पिताजी का 2 साल पहले शरीर शांत हुआ दोनों को वो 2-2 लाख रुपये देके गए। मेरा भाई तो कहता था जाओ काम करो और खुद अपना दोस्तों के साथ मज़े करता था, वो बार बार कहता था जाओ काम करो। जैसे हम लोग भी घर में कहते हैं सबसे जाओ काम करो। तो बोले धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई, सारे जितने भी मजदूर लोग थे और जितने भी लोग थे वो सब खा पी गए। उसका तकिया कलाम था जाओ जाओ, तो उसकी संपत्ति भी चली गई, उसके मित्र भी चले गए, उसका पैसा भी चला गया, उसका सब कुछ चला गया। जब मुझे पिता का बिजनेस मिला तो मैं कहता था आओ काम करें, और मैं हर काम को खुद करने के लिए भागता था तो मेरे पीछे सारे लोग भी भागते थे। मैंने हर काम को खुद किया तो सारे लोग मेरे पीछे काम करने के लिए आए, और जितने पिताजी मुझे दे गए थे 2 लाख आज वो 10 लाख हो गए। तो जब हम कहते हैं जाओ काम करें तो हम नष्ट हो जाते हैं, और जब हम कहते हैं आओ काम करें तो हम सक्सेसफुल होते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। तो जब हम दूसरों पे भरोसा करते हैं कि तुम मेरा काम कर दो तुम मेरा काम कर दो, तो हम डरते रहते हैं, कोई नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। और जो सब काम खुद कर लेता है उसे किसी का डर नहीं रहता। तो गुरु कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आप कहिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से
अपनापन महसूस करिए तो ये आपको स्वावलंबी बनाए। तो जो भगवान का सहारा लेते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं, और जो नेम फेम पावर मनी का सहारा लेते हैं ये तो सब चेंजेबल है। तो हमेशा भगवान का सहारा लीजिए। अब सेवेंथ प्रिंसिपल है, हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए, प्योर रहना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करें। देखिए लोग मिलावट करते हैं, गलत काम करते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। गलत विचार रखते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। एक बार स्वामी रामतीर्थ जो हैं एक स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों से बच्चे थे वहाँ पे स्कूल में, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, कुछ बच्चे उतने अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए थे। तो जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए थे उन्होंने कहा एग्ज़ाम से पहले तुम्हारे क्या ख्याल थे, तुमने क्या किया? उन्होंने कहा एग्ज़ाम से पहले हमारे मन में डर था, फियर था, और हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, हमने पिक्चरें भी देखी, हमने दोस्तों के साथ भी टाइम वेस्ट किया, विषय विकारों में भी पड़े रहे, और इसीलिए तुम्हारे नंबर खराब आए। और जिनके बहुत अच्छे नंबर आए उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे शुद्ध पवित्र विचार थे, भगवान पर भरोसा था, और हमने अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखा और भगवान पर विश्वास रखा, खूब मेहनत कर। तो कहा जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। थॉट्स लीड्स टू एक्शंस, एक्शंस लीड्स टू हैबिट्स, एंड हैबिट्स लीड्स टू कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। तो अगर आपके विचार खराब होंगे, आचरण खराब होगा, तो आपको परिणाम में दुख मिलेगा। तो सफलता के साथ सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला वर्क, दूसरा आत्म बलिदान, तीसरा प्रेम, चौथा चेयरफुलनेस, हमेशा खुश रहिए, पांचवा फियरलेसनेस, छठा सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर निर्भर रहिए, और सातवां प्योरिटी। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम सब भी अपने जीवन में सफल हों, और सबसे बड़ी सफलता है कि हमारा भगवान से प्रेम हो और हमारे जीवन में भी सफलता। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।